नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत जैन और आज मेरे पास में है ओप्पो का F9। इस वीडियो में मैं इसे करूंगा अनबॉक्स और बताऊंगा क्या है इसमें खास। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका बड़ा भाई है ओप्पो F9 Pro, वो ऑलरेडी इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है इससे पहले, और ओप्पो F9 को रिसेंटली इंडिया मार्केट में लॉन्च किया गया है। ओप्पो F9 Pro जो है उसकी प्राइस रखी गई है 23,990 रुपये, और ये जो फ़ोन है ये आपको मिल जाएगा 19,990 रुपये में। तो चलिए शुरू करते हैं और अनबॉक्स करते हैं ओप्पो F9 को। तो चलिए शुरू करते हैं ओप्पो F9 की अनबॉक्सिंग, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पे आपको क्या क्या दिखता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि इसमें मिलेगी आपको 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज, और यहाँ पे है फ़ोन का नाम जो कि है ओप्पो F9, और जो कलर है अंदर वो है स्टेलर पर्पल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है दिखने में कलर वाइज कैसा लगेगा। अगर मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पे मेंशनड है कि ये फ़ोन आता है ड्यूल कैमरास के साथ में, 16MP का फ्रंट कैमरा है, 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है, और जो बैटरी है वो है 3500 mAh की। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या है इसके बॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे एक और सील है जिसे मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो ये है ओप्पो F9, और इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टर पिन, साथ ही साथ आपको मिलेगा एक सिलिकॉन कवर भी जो कि ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पर कुछ यूज़र गाइड और मैनुअल्स या वारंटी कार्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे इसके साथ में। अगर मैं बात करूं इसके चार्जर की, तो आपको इसके अंदर वूक चार्जर नहीं मिलेगा जो ओप्पो के F9 Pro में आपको मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो चार्जर है वो है 5 वोल्ट का और 2 एम्पियर का, और जो केबल है वो भी नॉर्मल सी है। जो यूजुअली जो वूक चार्जर जो आ रहा है उसके अंदर जो केबल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर देखने को मिलता है उस केबल के अंदर, जो इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और ये है ईयरफोन्स जो इसके साथ में आते हैं, कुछ एप्पल के साथ में जो ईयरफोन्स आते हैं, एप्पल आईफोन के साथ में जो ईयरफोन्स आते हैं उससे कुछ मिलता जुलता है ये। अगर मैं आपको बताऊं कि वूक चार्जर और ये जो नॉर्मल चार्जर है इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये देखिए, ये जो बड़ा सा चार्जर है ये है वूक चार्जर, जो फ़ोन को जल्दी से चार्ज करने के लिए काम में आता है, और ये जो नॉर्मल सा चार्जर है ये आपको F9 के साथ में मिलेगा, और F9 Pro के साथ में जो मिलेगा वो ये है। केबल्स का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ जो इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ग्रीन कलर का जो कलर है वो आपको केबल में देखने को मिलेगा। ये जो चार्जर, ये जो केबल है, ये आपको F9 Pro के साथ में मिलती है, और ये F9 के साथ में आपको मिलेगी। उसी तरीके से ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं हम F9 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार ये केस इसमें फ़िट करके बता देता हूँ कि फ़ोन लगता कैसा है केस फिट होने के बाद में। थोड़ा सा टाइट है ये, बट अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक लिड है जो उसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, और प्रॉपरली फिट होता है, और फ़ोन के पीछे जो पैटर्न है वो काफ़ी क्लियरली विजिबल है। सो अगर आप ये केस यूज़ भी करते हैं देन ऑल्सो आपके फ़ोन का जो लुक है वो मेंटेन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओप्पो F9 के डिज़ाइन की। इसे मैं स्विच ऑन भी कर देता हूँ सो दैट मैं आपको इसका जो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है वो मैं आपको दिखा सकूँ। अगर मैं बैक की बात करूँ उससे पहले, तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से विजिबल हो रहे हैं बैक के ऊपर, बट बैक खूबसूरत है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, फ्रंट के अंदर एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। तो जल्दी से इसको मैं सेटअप कर देता हूँ। चलिए तो फ़ोन सेटअप हो चुका है और हम जल्दी से इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैटर्न जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ फ़ोन के राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पावर बटन, और जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे आपको वॉल्यूम कीज मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको एक सिम ट्रे भी मिलेगी।
तो जो ये सिम ट्रे है ये एक हाइब्रिड ट्रे नहीं है, ये एक 3-स्लॉट सिम ट्रे है। सो बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड जो 256 GB तक सपोर्ट करेगा वो आप डाल पाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे नैनो सिम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वोल्टी अगर आप एयरटेल या जियो या कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप जो दोनों ही सिम के अंदर वोल्टी कॉल्स कर पाएंगे, तो वो भी कोई एक इशू नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके बॉटम की, तो यहाँ पे है एक स्पीकर और यहाँ पे है माइक्रो यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे एक माइक है और यहाँ पे है 3.5mm का हेडफोन जैक। तो आपके अंदर यहाँ पे एक और माइक आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर बैक की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो कैमराज मिल जाएंगे, एक कैमरा है 16MP का और दूसरा जो कैमरा है वो है 2MP का। और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और उसके नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ये जो कैमरा है ये है 16MP का। ओप्पो F9 Pro और ओप्पो F9 में जो एक और डिफरेंस है वो है इसका कैमरा। जो F9 Pro है उसके अंदर आपको जो कैमरा मिलेगा वो है 25MP का और ये जो कैमरा है ये है 16MP का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के दूसरे फीचर्स की। इसके अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 8.1, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ वो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.1 है और जो कलर ओएस है वो है 5.2। एक और जो इसमें डिफरेंस है F9 Pro के कंपैरिजन में वो ये है कि इसके अंदर आपको 4GB रैम मिलेगी और जो F9 Pro है उसमें आपको 6GB रैम मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे स्पेक्स की। तो इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी वो है 3500 mAh की। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो आपको इसमें मिलेगा हीलियो P60 जो कि 2 GHz पे क्लॉक होगा और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका ये जो डिस्प्ले है ये है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और इसमें जो स्टोरेज आपको मिलेगा वो है 64GB जो सिमिलर है ओप्पो F9 Pro से। ओप्पो F9 आपको मिलेगा दो कलर्स में, एक जो कलर है वो है मेरे पास में जो कि है स्टेलर पर्पल और दूसरा कलर है मिस्ट ब्लैक। चलिए तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं और ओप्पो F9 और F9 Pro के डिफरेंसेस आपको फिर से बता दूं तो उसमें से एक है उसका प्राइस, जो कि ये जो है फ़ोन आपको ये मिलेगा 19,990 रुपये में और ओप्पो F9 Pro मिलेगा आपको 23,990 रुपये में। दोनों में 4,000 का डिफरेंस है और इस 4,000 के अगेंस्ट आपको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगा 6GB रैम और ओप्पो F9 में आपको मिलेगा 4GB। और साथ ही साथ इसमें जो कैमरा है, जो फ्रंट में जो कैमरा है ये है 16MP का ओप्पो F9 में और जो प्रो में जो कैमरा है वो है 25MP का। एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है बूक चार्जिंग, या आप उसको फास्ट चार्जिंग भी कह सकते हैं, वो आपको ओप्पो F9 में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा ओप्पो F9 Pro के अंदर। तो ये जो हैं तीन मेजर डिफरेंसेस हैं ओप्पो F9 और ओप्पो F9 Pro में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में फ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन है पोको का F1, दूसरा है ऑन अ प्ले और वीवो का V11 Pro भी आपको उसी रेंज में मिल जाएगा। तो ये था हमारा ओप्पो F9 का अनबॉक्सिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए हमें कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।